चुंबकत्व है ना, चुंबकत्व। कल हमने इसके अंतर्गत अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका अध्ययन किया। साथ ही साथ सामान्य स्थिति में भी, सामान्य स्थिति के किसी बिंदु पर भी हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना किया था, उस मान का गणना हमने किया था। आज हम इन विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, है ना, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई दंड चुंबक को रख दिया गया है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थिति ऊर्जा, और उसके साथ साथ इस परिजीय नियम क्या होता है, इसके विषय में हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक समान चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां पर इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान तथा दिशा भी कैसा हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा कैसा होता है, एक समान होता है, दिशा तथा उसका मान कैसा होता है, एक समान होता है, उसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र और वहां पे जो तीव्रता प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब जो है हम इसके विषय में और भी कुछ चीजों को देखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर यदि हम किसी दंड चुंबक को रख देते हैं तो वहां पर किस प्रकार बल आघूर्ण लगता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है, लगने वाला बल आघूर्ण, इसका मान की गणना हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमको क्या लेना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये मान लेते हैं एक समान तीव्रता वाला चुंबकीय क्षेत्र बी है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाला बी है। यहां पर हम एक दंड चुंबक को रख देते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक दंड चुंबक को रख देते हैं जिसका यह एन ध्रुव है और ये जो ध्रुव है वो एस है। ठीक, प्रभावी लंबाई हम पढ़ते आए हैं कितना होता है, बिल्कुल सही 2L है ना, और ये जो है मध्य बिंदु जिसको हम किससे दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं। ठीक, और इसकी जो ध्रुव प्रबलता होता है वो कितना होता है, m, ध्रुव प्रबलता कितना होता है m, है ना। इस चुंबकीय क्षेत्र जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस पर थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, इस पर थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है, इस दंड चुंबक को रखा गया है। तब इस स्थिति में इस दंड चुंबक पर इसके जो ध्रुव होते हैं है ना, इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ठीक है, इसके इस ध्रुव पर जो एन ध्रुव है इस पर कौन सा बल लगेगा, एम है ना, और इंटू बी, ठीक, एम बी बल लगेगा। उसी तरीके से ये जो ध्रुव एस है यहां पर भी क्या लगेगा, बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, एम बी, ठीक, और जिसकी दिशा, जिसकी दिशा कैसे होगी, इनका मान जो है बिल्कुल बराबर होगा और दिशा कैसे होती है, विपरीत, यानी इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा यदि नीचे की ओर है तो इसकी दिशा क्या होगा, ऊपर की ओर। ऐसा क्यों होगा, ताकि ये दंड चुंबक क्या हो जाए, ये दंड चुंबक इसके समानांतर हो जाए, है ना। यदि हम इस प्रकार से इस दंड चुंबक को लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार, तो इस दंड चुंबक में
इस ध्रुव में एक बल काम कर रहा है MB और इस ध्रुव में एक बल काम कर रहा है कौन सा MB। दोनों ही बल आपस में परिणाम में कैसे हैं, बराबर हैं, किंतु इनकी दिशा कैसी है, विपरीत है। यानी एक इसको नीचे की ओर खींचता है तो एक उसको कहां पे ले जाना कोशिश करता है, ऊपर की ओर ले जाने का कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में ये दंड चुंबक क्या करने का प्रयास करेगा, इस प्रकार से समानांतर हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो है नीचे की ओर बल काम कर रहा है और इस पर ऊपर की ओर, तो ये जो है इस प्रकार से घूमकर कहां चला जाएगा, इसके समानांतर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दो बल लग रहे हैं है ना, परिणाम में बराबर किंतु विपरीत है, इनको हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रत्यानयन बल युग्म क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है। प्रत्यानयन बल युग्म एमबी क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है, जो कि परिणाम में परिमाण में बराबर किंतु विपरीत होते हैं। इस कारण से इस दंड चुंबक को इस अक्ष के समानांतर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रत्यानयन बल युग्म निर्मित हुआ इसके कारण से प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण जिसको किसे दिखाया जाता है, टाऊ से, टाऊ इक्वल टू, यदि हम प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाऊ का मान ज्ञात करना चाहें तो इसका मान होता है एक बल गुणित उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, यदि हम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण जो उत्पन्न होगा इसका मान ज्ञात करना चाहें तो इसका मान क्या होता है, एक बल गुणित उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, उनके बीच की लंबवत दूरी, तो एक बल, एक कोई भी बल ले ले MB है ना, और इनके बीच की लंबवत दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच की लंबवत दूरी दिख रही है ये है ना, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये जो है NP ये उनके बीच की क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक बल हम कोई भी लिख लिए MB इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी NP। ठीक है, यहाँ से हम NP का मान ज्ञात करके इस समीकरण एक में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, tau इज इक्वल टू MB इंटू NP, इसको हम समीकरण एक मानते हैं है ना। तो NP का मान हम कैसे निकालें, इसके लिए आप इस त्रिभुज का इस्तेमाल कर सकते हैं NPS, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कोण थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, और ये जो भुजा हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण है ना। ठीक है, तो कर्ण वाली भुजा हमको ज्ञात है, ये जो NS है ना ये हमको ज्ञात है, कितना है इसका मान, वेरी गुड, कितना है 2L, ये हमको मान मालूम है, और हमको किसका मान निकालना है, NP का मान निकालना है। ठीक, तो त्रिभुज NPS में इसका हम प्रयोग करते हुए किसका मान निकालेंगे, NP का मान निकालेंगे। तो इसमें हमको मान किसका निकालना है, NP का मान निकालना है, इसको हम ऊपर रखें, और हमें जो ज्ञात है उस भुजा को हम कहाँ पे रखते हैं, नीचे। ये जो भुजा हमको ज्ञात है NS है ना, इसको हम कहाँ पे रखेंगे, नीचे। तो ये जो दिख रहा है आपको NP, इसको क्या माने हैं अपन, लंब है ना, ये क्या चीज है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। ठीक, तो ये हो गया आपका लंब बटा कर्ण। अब ये बताइए कि लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, हाँ साइन थीटा है ना, किसका मान होता है, साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, NP का मान ज्ञात कर सकते हैं, NP अपॉन NS, NS का जो मान दिया है हमको क्या दिया है, 2L। ठीक, 2L इक्वल टू साइन थीटा, तो NP बराबर क्या हो जाएगा, 2L इधर भाग में है इधर गुणा में चला जाएगा, तो NP इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। ठीक,
तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस त्रिभुज की सहायता से एनपी का मान ज्ञात कर लिया। और इसको हम कहाँ पे रख दें, टाउ में रख दें, है ना। इस मान को हम कहाँ पे रख देते हैं, समीकरण एक में। समीकरण एक में एनपी का मान रखने पर, ठीक है, एनपी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू एम बी इंटू एनपी, एनपी का मान क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा, है ना, 2L साइन थीटा। इस मान को हमने क्या कर दिया, एनपी के स्थान पे रख दिया। ठीक, अब यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या कर सकते हैं, इस M और 2L को एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि M इंटू 2L का मान क्या होता है, कैपिटल M, चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा B इंटू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं M इंटू 2L, इनको एक साथ लिखें, इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से टाउ की मान का गणना हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू एम इंटू टू एल, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू साइन थीटा। चूंकि हमें मालूम है कि एम इंटू टू एल इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम, चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक, तो यहां से टाउ इज इक्वल टू हमने पाया बी एम साइन थीटा। ठीक है, अब हम यदि टाऊ के परिभाषा यानी कि प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण की परिभाषा यदि हम ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इकाई कर दें और यहाँ जो थीटा है इसको क्या कर दें, थीटा इक्वल टू 90 ले लें, तो साइन 90 का मान कितना होता है, एक, यानी इन मानों को, बाकी मानों को हम एक कर दें तो टाऊ का मान किसके बराबर हो जाएगा, टाऊ का मान एम के बराबर हो जाएगा। यदि हम बी एक कर दें, बी को एक बना दें, साइन थीटा को कैसे बना दें, एक बना दें, तो टाऊ किसके बराबर हो जाएगा, एम, चुंबकीय आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम टाऊ की परिभाषा निकाल सकते हैं कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण के उस मान के बराबर होता है जब उसको एकांक तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, वहां पर दंड चुंबक को कैसा रखा जाए, 90 अंश बनाते हुए या लंबवत रखा जाए, तो जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होता है वह चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है, है ना। इस तरीके से क्या देखे अपन कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण चुंबकीय बल युग्म के आघूर्ण के बराबर तब होता है जब वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा हो, इकाई हो। ठीक, और जो दंड चुंबक रखा जा रहा है यह दंड चुंबक कैसे हो, उसके लंबवत हो, उस स्थिति में प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो है चुंबकीय आघूर्ण के बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका मान, है ना। और M का हमने मात्रक तो देख लिया है, M का मात्रक, M का जो मात्रक है हमने देखा है, है ना, एम चुंबकीय आघूर्ण है, इसका मात्रक हमने क्या देखा है पहले भी, एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका विमी सूत्र भी देख लेते हैं, विमी सूत्र। ठीक, विमी सूत्र क्या हो जाएगा, इसका विमी सूत्र हो जाएगा आपका, ए का मान हमको मालूम है, एल को हम किससे दिखाते हैं, मीटर को किससे दिखाते हैं, एल से, तो ये एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे चूंकि हमारे पास m का मान नहीं है इसलिए m को जीरो लिखेंगे और t को भी क्या लिखेंगे, जीरो। तो इस तरीके से हम इसका विमी सूत्र की गणना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के में रखे कोई दंड चुंबक है उस पर लगने वाला बल आघूर्ण।
अब इसके बाद हम क्या देखें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर को घुमाने में किया गया कार्य है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमने देखा कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी, यहाँ पे हमने एक दंड चुंबक को रखा था, ठीक है, इस दंड चुंबक की लंबाई क्या थी 2L है ना, और इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या था, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M। ठीक, तो इस पर जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण का मान निकल रहा था वो कितना था, वो था tau इक्वल टू एम बी और साइन थीटा है ना, tau का मान कितना निकला था एम बी साइन थीटा। ठीक, ये प्रत्यानयन बल युग्म है ना, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण हमने देखा था कि जब एक दंड चुंबक जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है और जिसका चुंबकीय आघूर्ण M है उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस पर इसके दोनों सिरों में है ना एक बल काम करता है MB और MB, ये परिमाण में बराबर होते हैं परंतु विपरीत होते हैं, जिसके कारण से एक प्रत्यानयन बल युग्म उत्पन्न हो जाता है जो इस दंड चुंबक को क्या करने का प्रयास करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक प्रत्यानयन बल युग्म जो है लगता है tau इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो इस दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य कि यदि हमें गणना करना है तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित दूरी। ठीक, तो यदि हम इसको इस जो दंड चुंबक है उसको डी थीटा कोण घुमाना चाहें, ठीक है, तो किया गया कार्य डी थीटा कोण दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य चूंकि हम छोटा सा कोण घुमाना चाहते हैं, डी थीटा एक अल्प कोण है, डी थीटा कोण घुमाना चाहते हैं तो छोटा सा काम भी हमको करना पड़ेगा है ना, तो उस कार्य को हम डी डब्ल्यू से दर्शाएं। ठीक है, छोटा कार्य। ठीक, अब हमको मालूम है जो कार्य होता है वह बल गुणित दूरी के बराबर होता है। ठीक है, और ये क्या चीज है, प्रत्यानयन बल युग्म। ठीक है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण यानी कि ये बल है। ठीक, तो बल गुणित दूरी कितना कोण घुमाना चाहते हैं, डी थीटा दूरी हम घुमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बल के मान में आ जाएगा प्रत्यानयन बल युग्म और दूरी के मान में आ जाएगा क्या आ जाएगा, डी थीटा। ठीक है, दूरी में क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। इस प्रकार जो है एक छोटे से कोण हमको घुमाना है तो हमारे द्वारा एक छोटा सा कार्य किया जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। अब यदि हम थीटा कोण घुमाना चाहें, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, यदि हम थीटा कोण घुमाना चाहें तो ये जो छोटे से हमारा जो कोण जो हमने छोटा कोण घुमाने के लिए क्या किया है, छोटा कार्य किया है, इन कार्यों को हम क्या करें, क्या कर दें,
इन छोटे छोटे कार्यों को जोड़ दें तो हम थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, चूंकि इन छोटे छोटे कार्यों को हम जोड़ते हैं इसलिए हम क्या लगाते हैं, समाकलन। ठीक है, क्या लगाते हैं, समाकलन। तो हम जो है जीरो कोण से कहाँ तक, थीटा तक हम इसको घुमाना चाहते हैं, इसलिए इसका मान हो जाएगा जीरो से थीटा टाऊ इंटू टी थीटा। ठीक है, तो हमने देखा कि डी थीटा कोण छोटा सा अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य, छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू इतना मिल गया है ना। तो यदि हम थीटा कोण घुमाना चाहें तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू कहाँ से, जीरो से थीटा कोण घुमाना चाहें तो जीरो से थीटा, इसको हम समाकलन कर देते हैं, छोटे छोटे इनको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक बार इसको पहले क्या लिख लें, इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हम इन छोटे छोटे किए गए कार्यों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसलिए डी डब्ल्यू। ठीक, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, जीरो से थीटा डी डब्ल्यू का मान रख देते हैं टाऊ इंटू डी थीटा, टाऊ इंटू डी थीटा। तो किया गया जो कार्य होगा वह जीरो से थीटा है ना, और टाऊ का जो मान हो जाएगा, टाऊ का मान क्या है, एम बी साइन थीटा। इस मान को हम क्या कर दें, यहाँ पे पुट कर दें टाऊ के स्थान पे, तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, तो ये किया गया कुल कार्य जो है निकल जाएगा, यानी जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, इसको हम, इसकी जो गणितीय गणना है इसको हम करते हैं, तो इसकी गणितीय गणना क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एम बी जो है कांस्टेंट मान है, इसको बाहर किए, जीरो से थीटा किसका हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि जो परिवर्तित हो रहा है वो क्या है, डी थीटा, हम डी थीटा कोण घुमा रहे हैं ना, तो ये जो मान है वो परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, यानी उनको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एम बी क्या हो जाएगा, इसका समाकलन साइन थीटा डी थीटा है ना। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने ये समाकलन कर दिया, और चूंकि ये क्या दिया है आपका, थीटा और जीरो, अभी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू का मान रखना बचा है। ठीक, तो ये जो हो गया समाकलन का मान हो गया, साइन थीटा का समाकलन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, यहां से माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस एम बी है ना, और ये कॉस थीटा पर एक बार हम अपर वैल्यू रखते हैं फिर माइनस लोअर वैल्यू। ठीक है, तो थीटा की जगह में एक बार अपर वैल्यू और फिर माइनस थीटा की जगह में एक बार लोअर वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस, अपर वैल्यू क्या है, थीटा ही है, तो थीटा के प्लेस में क्या रखेंगे, थीटा, थीटा के प्लेस में, थीटा के स्थान पे थीटा है ना, और लोअर वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस, ये थीटा की जगह में जीरो, कॉस जीरो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से किया गया जो कार्य होगा W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी है ना, और ये कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान कितना होता है, वन है ना, तो ये हो जाएगा वन। इस प्रकार से किए गए कार्य की गणना हम कर सकते हैं कि यदि हम किसी दंड चुंबक को क्या करना चाहें, उसे थीटा कोण घुमाना चाहें तो उसके लिए किया गया कार्य। ठीक, इसी पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, स्थिति ऊर्जा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा स्थिति में हम स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। तो मानक स्थिति, मानक स्थिति यानी पाई बाई टू से, मानक स्थिति यहाँ पे पाई बाई टू से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया
कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहां पे क्या हो जाएगा, वर्तमान स्थिति कहां से लाना है, पाई बाई टू 90 से 90 से हमको कहां पे लाना है, वर्तमान स्थिति यानी थीटा तक लाना है। तो किया गया कार्य को क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो यहां पे जो कार्य लिखे हैं W इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू एम बी, है ना, इसको कहां से कहां तक, पाई बाई टू से थीटा तक, है ना। तो पाई बाई टू से थीटा तक लाने में या वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो पाई बाई टू थीटा एम बी और ये साइन थीटा इंटू डी थीटा, प्रारंभिक जो मान है ना। तो W इज इक्वल टू इसका हम समाकलन करें, समाकलन करेंगे तो ये जो एम बी है वो कैसा मान है, कांस्टेंट है ना, नियत मान है, इसको बाहर रख दें और समाकलन किसका करें, साइन थीटा का करें, साइन थीटा डी थीटा के सापेक्ष, और कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई टू से वर्तमान स्थिति या थीटा स्थिति तक। तो ये जो मान होगा एम बी साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, अभी हमने देखा है माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा, ये थीटा और ये पाई बाई टू, अपर वैल्यू थीटा और लोअर वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, है ना। तो ये जो W का मान प्राप्त होगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस साइन को हम बाहर निकाल लें, माइनस साइन को क्या कर लें, बाहर निकाल लें, एम बी है ना, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा थीटा पाई बाई टू, ठीक है, माइनस एम बी, अब कॉस थीटा अपर वैल्यू थीटा की जगह हम थीटा और यहाँ पे लोअर वैल्यू माइनस करके पाई बाई टू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह में थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू, अपर वैल्यू कॉस थीटा माइनस लोअर वैल्यू कॉस थीटा की जगह में पाई बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस एम बी कॉस थीटा जो करते हो माइनस कॉस पाई बाई टू, मतलब कॉस नब्बे का मान, ठीक है, कॉस नब्बे का मान कितना होता है, जीरो, बिल्कुल सही, क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मान मिला माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक, ये जो है किया गया कार्य, किया गया कार्य है ना। और यही जो किया गया कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, जिसको U से दिखाते हैं, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक। तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा का मान निकल गया। अब इसको हम विभिन्न स्थितियों में इसके मान की गणना कर सकते हैं, थीटा के विभिन्न स्थितियों के लिए इसकी मान की गणना कर सकते हैं। तो स्थिति पहला, स्थिति प्रथम, यहां पे जब थीटा इज इक्वल टू क्या लें, थीटा इज इक्वल टू जीरो अंश लें, तो उस स्थिति में U का मान क्या मिलेगा, U का मान माइनस एम बी है ना कॉस जीरो। प्रथम स्थिति है थीटा हम क्या रखें, थीटा जो है जीरो रखें, है ना, या जीरो जो है थीटा का मान जीरो लें, तो उस स्थिति में U का मान क्या मिलेगा, माइनस एम बी कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान कितना होता है, हाँ वन, है ना, कितना हो जाएगा वन, तो इसका मान कितना मिला, माइनस एम बी, ठीक है, ऋणात्मक मान मिला, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो है मान प्राप्त होता है जब थीटा इक्वल टू जीरो हो। दूसरी स्थिति, स्थिति सेकेंड क्या हो सकता है, जब थीटा हम 90 लें, थीटा जो है पाई बाई टू या इसी को कहते हैं 90 जब लें, तब क्या हो जाएगा, U का जो मान होगा वो मिलेगा हमको माइनस एम बी कॉस 90, है ना। तो माइनस एम बी कॉस 90 का मान कितना होता है, वेरी गुड, कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे U का मान कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और तीसरी स्थिति,
स्थिति तीसरा क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू हम 180 है ना लेना चाहें, 180 अंश तक घुमाना चाहें, तो उस स्थिति में u का जो मान निकलेगा वो निकल जाएगा माइनस एम बी कॉस कितना रख दें 180। ठीक है, तो यहां पर माइनस एम बी और कॉस 180 का मान क्या होता है, हाँ माइनस वन है ना, तो इसका मान हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मान मिलेगा एम बी। ठीक है, तो इन तीनों स्थितियों में हम देख सकते हैं थीटा जब हम जीरो लाना चाहें तो उस स्थिति में यू का मान माइनस में एम बी है ना, और जब हम थीटा इक्वल टू 90 लाना चाहें तब यू का मान क्या हो जाएगा जीरो, और तीसरा जो स्थिति है थीटा इक्वल टू 180 जब लाना चाहें तो यू का मान कितना हो जाएगा एम बी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा के लिए याद किया गया जो कार्य है। इसके बाद हम देखते हैं स्पर्शिया नियम। स्पर्शिया नियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, स्पर्शिया नियम। ठीक है, स्पर्शिया नियम क्या कहता है कि यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी दंड चुंबक जिस पर दो समान है ना, जिस पर दो समान किंतु विपरीत है ना, किंतु विपरीत है ना, ठीक है सॉरी दो समान किंतु परस्पर लंबवत। ठीक है, दो समान किंतु परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील हो, चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील हो है ना, क्रियाशील हो, तो यदि चुंबक पहले क्षेत्र के साथ है ना, चुंबक पहले क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता हो, थीटा कोण है ना, पहले क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता हो तो दूसरा क्षेत्र पहले क्षेत्र का क्या हो जाएगा टेन थीटा गुना होगा, पहले क्षेत्र का टेन थीटा गुना होगा। ठीक, तो क्या होता है स्पर्शिया नियम कि यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी एक दंड चुंबक जिस पर दो समान किंतु परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील हो, तो यदि चुंबक पहले क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है तो दूसरा क्षेत्र पहले क्षेत्र का क्या हो जाता है टेन थीटा गुना होता है। ठीक है, यानी यदि आपका इस प्रकार से एक दंड चुंबक लें, ये दंड चुंबक जिसके दो ध्रुव एन एस प्रभावी लंबाई आपको मालूम है 2L, मध्य बिंदु O है ना, मध्य बिंदु कितना O, तो इस जो चुंबक है इसको हम क्या कर दें स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, किस तरीके से, इस प्रकार ये जो चुंबक है इस तरीके से यहाँ लटक रहा है। ठीक, तो इस पर यदि दो समान किंतु परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक एक क्षेत्र हो गया B और दूसरा जो क्षेत्र हो जाएगा H है ना। ठीक, तो इस पर जो है क्या करें, यदि दो समान किंतु परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील हो तो
उस स्थिति में यदि यह चुंबक क्या करे, पहले क्षेत्र, इसको हम पहला क्षेत्र मान लेते हैं, इस पहले क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तो जो दूसरा क्षेत्र होगा वह पहले क्षेत्र का क्या हो जाएगा, टेन थीटा गुना होता है, पहले क्षेत्र का टेन थीटा गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो दंड चुंबक है, ये दंड चुंबक पर क्या कर रहा है, दो चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील है, कौन कौन सा, एक क्षेत्र B और दूसरा क्षेत्र H। ठीक है, ये परस्पर दोनों क्षेत्र कैसे हैं, समान किंतु परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो इस दंड चुंबक पर जो है ये जब कार्य करते हैं तो उस स्थिति में यदि ये जो दंड चुंबक है यह पहले क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए, तो जो दूसरा क्षेत्र होता है वह पहले क्षेत्र का टेन थीटा गुना प्राप्त होता है। ठीक है, इस पर जो है ये जो है B इज इक्वल टू एस टेन थीटा, ये जो मान मिला है इसके लिए कुछ शर्तें हैं, है ना, इसके लिए कुछ क्या है, शर्तें हैं। इसके लिए क्या शर्त है, इसके लिए शर्त ये है, इस परजन नियम के लिए शर्त कि दोनों क्षेत्र कैसे होने चाहिए, दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत, ठीक है, और दूसरा दोनों की तीव्रता कैसी हो, समान, और तीसरा जो है एक तल में हो, दोनों क्षेत्र कहाँ पे हो, एक तल में हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि शर्त जो कहता है कि दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत हो, है ना, दूसरा दोनों की तीव्रता कैसी होनी चाहिए, इन दोनों की तीव्रता समान होनी चाहिए, और तीसरा ये दोनों क्षेत्र कहाँ पे हो, एक ही तल पर हो। ठीक है, तो इसकी जो गणितीय गणना है, गणितीय गणना, ठीक, इस सूत्र की जो स्थापना, या इस सूत्र की स्थापना कहें, ठीक, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना। ठीक है, इस सूत्र की स्थापना कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्र क्या है, परस्पर इस दंड चुंबक पर क्रियाशील है, है ना, तो यहां पर ये जो क्षेत्र B है ये क्या करेगा, इस ध्रुव में, ध्रुव पर अपना MB बल लगाएगा, और ये जो है इस ध्रुव पर क्या लगाएगा, MB बल लगाता है। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो क्षेत्र H है इस ध्रुव पर क्या करेगा, MH बल लगाएगा, ठीक, MH बल लगाता है। ठीक, इसी तरीके से यहां पर क्या लगेगा, MH बल जो है लगेगा। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस ध्रुव पर अपना MB बल लगाता है, और ये जो ध्रुव है इस पर ये जो क्षेत्र है वो इधर MB बल लगाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर एक प्रत्यानयन बल युग्म निर्मित हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B पर, B के कारण, और उसी तरीके से इसी ध्रुव पर MH जो है क्या है, ऊपर की ओर लग रहा है और यहाँ पे नीचे की ओर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यदि इस दंड चुंबक को ऐसा रख दें, ठीक है, तो इस पर जो है ये B जो है बल लगाएगा, और इधर भी क्या होगा, B जो है बल लगाएगा। ठीक, ये इसको नीचे की करने का प्रयास करेगा और इधर ऊपर, तो इस प्रकार से ये इसको कहाँ लाने का प्रयास करता है, इस प्रकार लाने का प्रयास करता है। ठीक है, जबकि जो H है ये भी क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, एक ऊपर की ओर, एक इधर नीचे की ओर, जो कि इसको इस प्रकार लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दंड चुंबक को B जो है अपने समांतर लाने का प्रयास कर रहा है, और H जो है अपने समांतर लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दो बल काम कर रहे हैं, दो बल, कौन से दो बल, दो प्रत्यानयन बल युग्म। ठीक है, दो प्रत्यानयन जो बल युग्म काम कर रहे हैं, एक तो H क्षेत्र के कारण, H क्षेत्र के कारण, कौन कौन सा, MH और MH। ठीक है, और दूसरा B
क्षेत्र के कारण, बी क्षेत्र के कारण क्या हो जाएगा, एम बी और एम बी। ठीक, ये दोनों प्रत्यानयन बल युग्म अपने अपने क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति में MH बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बराबर हो जाएगा MB बल युग्म के आघूर्ण। ठीक है, संतुलन की स्थिति में है ना, MH बल युग्म का आघूर्ण किसके बराबर हो जाएगा, MB बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा गणिती देखते हैं। तो यहां बल युग्म का आघूर्ण है ना, क्या होता है, एक बल गुणित उनके बीच की दूरी। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमको मिलता है। तो यहां से हम क्या हो जाएगा, एक बल क्या हो जाएगा, MH और उनके बीच की दूरी है ना, ये जो MH है ना, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी इस प्रकार से। ठीक है, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इनके बीच की दूरी का मान क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये आपका ले लिए N और इस बिंदु को P और इस बिंदु को S, तो MH वाला बीच की दूरी क्या हो जाएगा, SP, और MB वाले के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, NP। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा SP, ये वाला MH के लिए क्या हो जाएगा, SP इक्वल टू MB के लिए क्या हो जाएगा, MB इंटू ये N P। ठीक, यहां से M कट गया, तो H इंटू एस पी इक्वल टू बी इंटू एन पी है ना, B का मान ज्ञात करना है तो NP को पक्षांतर करेंगे, SP अपॉन NP इक्वल टू B। ठीक है, तो यहां से हम थीटा का मान, ये जो SP अपॉन NP का मान जो है निकाल कर क्या कर देते हैं, इस पर रख देते हैं, तो इसका मान निकल जाएगा है ना। तो इस त्रिभुज का इस्तेमाल करें NPS में, त्रिभुज NPS में क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, तो यहाँ पे ये जो क्या हो जाएगा मान, NP अपॉन SP है ना, ये जो मान हो जाएगा SP क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा थीटा के लिए, ये क्या हो जाएगा, SP जो है क्या हो जाएगा, SP अपॉन NP, ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, यहां से अपन क्या हो जाएगा, SP जो है आपका लंब हो जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार वाला भाग हो जाएगा, तो लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा है ना। तो H इंटू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रख देंगे तो टेन थीटा इक्वल टू बी। ठीक, तो इस तरीके से बी इज इक्वल टू क्या होता है, H इंटू टेन थीटा है ना, ये जो है थीटा है, तो ये जो मान हो जाएगा आपका, ये जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा है ना, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, इसके सामने की भुजा आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, तो इस तरीके से ये किसका मान हो जाएगा, स्पर्शिका का नियम। तो आज हमने स्पर्शिका का नियम देखे, और जो है कल हम और बिंदुओं को देखेंगे। धन्यवाद।